नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पिछले वीडियो में। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पेमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत से किसानों ने अभी तक अपने फॉर्म को अपडेट नहीं किया है, ई केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई है। तो दोस्तों, अगर आपने इस बार अपनी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 12वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिल पाएगा। किन किसानों को 12वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपना नाम चेक करना चाहते हो आपको 12वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल में लिखकर सर्च करना है पीएम किसान, ठीक है। अगर आपका इस सूची लिस्ट में नाम होगा तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 12वीं किस्त का पेमेंट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, गूगल में लिखकर सर्च कर देना है पीएम किसान, इसके बाद आपको सर्च कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहले नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी pmkisan.gov.in, इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, आप फिर से यहाँ पर देखिए होम पोर्टल पे आ जाएंगे, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देखिए ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आपको अपना सूची लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बेनिफिशियरी लिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट वाला ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो अगली डिटेल है वो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपका जो भी ब्लॉक है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना विलेज सेलेक्ट करना है, आप जिस ग्राम पंचायत विलेज में रहते हैं उस विलेज को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको सभी विलेज के नाम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम देख लेना है, आपका जो भी विलेज का नाम है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपने विलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको लास्ट में आपसे मिलेगा गेट रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपकी जो ग्राम पंचायत की सूची लिस्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए उन किसानों का नाम दिया गया है जिन लोगों ने अपनी ई केवाईसी कंप्लीट करा ली है। अगर आपका इस सूची लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 12वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है तो फटाफट आप अपनी ई केवाईसी करा लीजिए, आप कहीं पर भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी ई केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका इस सूची लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्तों आपको 12वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपका पहली सूची लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए जो नाम दिए गए हैं वो यहाँ पर सीरियल बाई सीरियल नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप और नाम देखना चाहते हैं या 3 नंबर पर आपको जो भी क्लिक करना है वो यहाँ पर आप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीसरे नंबर पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 यहाँ पर नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं वो यहाँ पर सीरियल बाई सीरियल नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप चौथे नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर किसानों की जो सूची लिस्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ग्राम पंचायत में 182 किसान पात्र हैं, इनको 12वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्तों आपको 12वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी कैसे करनी है इस पे मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर सूची लिस्ट में अपना नाम दे सकते हो, आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आपका इस सूची लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्तों आपको 12वीं किस्त का पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पेमेंट नहीं मिलेगा। तो फटाफट आप अपना इस सूची लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।